उसमें लगभग सभी मित्रों ने कहा जगदीश मित्तल साहब कवि नहीं है, फिर भी ये इतने कवियों को संरक्षण दे रहे हैं, इतने कवियों को किया। और मैं वहाँ पीछे बैठे बैठे यही देख रहा था कि मित्तल साहब 28 मिनट तक इस माइक पे खड़े रहे और सिवा कविता के कुछ नहीं बोला। जो बोला वो एक एक शब्द कविता की संवेदना का था, जिसमें करुणा थी देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, युवाओं के प्रति, जिसमें प्रेम था राष्ट्र के प्रति। कभी और क्या करता है, ये तो काम करता है। हम कह देते हैं लेकिन इनका पूरा का पूरा व्यक्तित्व कवि कवि है, क्योंकि कविता सिर्फ लिप्स से नहीं बोली जाती है। वो जब खड़े हुए तो पूरा बॉडी, पूरा शरीर उनका कविता कह रहा था। एक बार तालियां बजाया। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ युवाओं को कि कविता लिखना बहुत आसान है लेकिन कवि होना बहुत मुश्किल है। तो आप कवि का व्यक्तित्व आप में पैदा हो, आप कुछ ऐसा करें कि आपके भीतर कवि बोले, आपका सारा का सारा व्यक्तित्व कविता में हो जाए। और ये तब होगा जब भीतर से आपके मन से बात निकलेगी। बहरहाल कुछ शेर मैं सुना देता हूँ।